ये कहते हैं कि अगर इंसान कायदे कानून से चले तो परेशानियों से दूर रह सकता है, लेकिन हम लोग हैं ही ऐसे, हम ना ज्यादा देर तक कायदे में नहीं रह सकते, हम थोड़ा इजी गोइंग लोग हैं। हमारी इंडियन शादियां देख लो आप, जब होती हैं पहले पहले जब बारात निकलती है तो सारे कायदे में चल रहे होते हैं, रिश्तेदार भी थोड़ा बज रहा है ना कुछ तो अपने थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहे हैं, भाभियां भी घूंघट उठा के सामने सास ससुर जा रहे हैं, लेकिन थोड़े दो पैग मदिरा पान होता है ना फिर ये खानदान भूल जाते हैं, फिर आते हैं अपनी असलियत पे। कई बार तो क्या होता है आदमी लोग जो होते हैं ना अपनी बीवी को भी एक आध लगवा देते हैं, अरे तेरे देवर की आई लगा ले, उनके अंदर का फिर नागिन बाहर आती है वहां पे वो जो फैलती है ना फिर वो, और फिर ये जो पूरे कायदे में चल रहे होते हैं पहले पहले टाई लगा के आए ना, जिस आदमी ने एक घंटा लगा के टाई बांधी होती ना उसी टाई को मुंह में डाल के बीन बजा रहा होता है, फिर तो बीन बजाते बजाते इतनी कस लेता है टाई कभी कभी वो फिर खुलती नहीं, काटनी पड़ती सीधी। शुरू शुरू में ट्यूबलाइट वाले भी जा रहे होते हैं ना वो भी कायदे से चल रहे होते हैं, लेकिन उसको पता बारात भी फैल गई है पैसे लुटाने शुरू हो गए, वो लाइटें नीचे रख के पैसे लुट रहा होता है। एक जो भोपू वाला होता ना जो आप देखा होगा बड़ा बड़ा बाजा बड़ा, वो भी एक हाथ से बजा कर दूसरे हाथ से वो भी पैसे लूट रहा होता है, कभी कभी तो सिक्का उसके भोपू में चला जाता है ना तो उसका भोपू बंद हो जाता है। अच्छा जेंट्स वॉलेट जो होता है उसमें बड़ी कम जगह होती है, आपको पता होगा आप यूज करती हैं, आई मीन होता है ना कि उसको बड़े कायदे से रखनी पड़ती चीजें, छोटे छोटे नोट फिर बड़े बड़े नोट फिर थोड़े से बैंक वाले कार्ड, बस दैट्स इट, ऐसे पर्स होता है वो। लेकिन कई लोग तो उसमें एटीएम की रसीदें, हाँ। सुपरमार्केट का बिल, फिल्म की टिकटें, वो धीरे धीरे जो पर्स ऐसा होता है ना वो ऐसा बर्गर जैसा बन जाता है। अच्छा। अब देखना जो जब पेंट में डालते हैं ना जो आदमी अगर बैठे होंगे तो एक साइड से उठ जाते हैं वो, बगल वाले को हमेशा शक ही रहता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। मेरे को तो किसी ने डॉक्टर ने बताया, कहते हैं इसे जेब में रखना नहीं चाहिए, स्लिप डिस्क जब होती है उसके बहुत सारे कारणों में से एक ये भी है, तो ये रखना नहीं वैसे जेब में चाहिए, पर आप ये जो लोग इतना मोटा वाला वॉलेट रखते हैं ना इनकी पैंट अगर जीन टंगी हुई ना खूंटे पे भी वहां पे भी देखना एक बर्गर अलग से बाहर आया होता है इनका। अच्छा गाड़ी चला रहे हो उसके भी कायदे होते हैं, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम इतना कम है और पेशेंस नहीं है और ट्रैफिक इतना स्लो है तो स्पीड ब्रेकर जो बने होते हैं ना उसका बम्प देख के ये उस गाड़ी नहीं स्लो करते, अपना बम ऊपर उठा लेते हैं निकल जाते हैं, पेशेंस नहीं लोगों में। जिम में आप देखना ट्रेनर लोग बड़े कायदे से काम करते हैं, पहले तो थोड़ा सा वार्म अप किया, फिर थोड़ा कार्डियो किया या स्ट्रेचिंग की, उसके बाद वेट ट्रेनिंग, ये सारे कायदे में होते काम तब तक जब तक सारे लड़के जिम कर रहे हैं, जैसे लड़की आती ना ये सारा कुछ छोड़ के हैवी हैवी वेट उठाना शुरू कर देंगे। ये वो लड़के होते हैं जो घर में माँ के बोलने पानी की बाल्टी भी नहीं उठाते, लड़की को देख के इतना बड़ा वेट उठा लेते हैं, वही लड़की जब जिम से बाहर निकलती किसी और लड़के से चली जाती ना फिर इनको पता चलता आज हैवी स्क्वाट्स मार लिए, फिर ये 7 दिन जिम नहीं आते। अब सड़क के किनारे जो फल बेचने वाले होते हैं वो भी बड़े कायदे से रखते हैं, जो मोटे ताजे फल होते हैं ना जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये पाइनएप्पल हो गया, वो सब नीचे रहते हैं, उसके ऊपर फिर पपीता वगैरह आ जाते हैं, उसके ऊपर सेब आते हैं, फिर लीची और वो स्ट्रॉबेरी सोफिस्टिकेटेड फल, और जो एनआरआई फल होते हैं ये जो ड्रैगन हो, हाँ ड्रैगन फ्रूट या एवोकाडो, उसको तो रखते ही डिब्बे में ताकि उसको देख के कोई मोल भाव कर ही ना सके, लेना तो लो बाहर से आया इतने का मिलेगा, और सिंघाड़ा बेचारा उस पर आप कितना भी पानी मार लो उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसका मुंह ही ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी फैला होता है ना, तो सिंघाड़ा रखा इसलिए होता है कोई भैंस वगैरह आ जाए ना उसको मार, हट 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 उसको मारने के लिए रखा होता है उन्होंने। अच्छा ड्रैगन फ्रूट तो मुझे लगता है कोई खाता भी नहीं है शायद, मैंने किसी को नहीं खाते देखा, 2 साल से मेरे यहाँ पड़ा हुआ है किसी ने काट के नहीं खिलाया, हालांकि एक दो बार गायब हुआ है प्रोडक्शन वाले ने बताया, मैंने नहीं खाया, कोई बात इसको खा भी ड्रैगन ही सकता है इसको, आई मीन। अच्छा इंसान कायदे से चले ना चले, कंप्यूटर जो होता है ना ये बड़े कायदे से चलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बड़ा इंटेलिजेंट होता है ना, आप जैसे आप इंटरनेट पे कुछ भी यूज करते हो ना आपको वैसे ही चीजें रिकमेंड करने लगता है इंटरनेट, आप देखना कभी जैसे दिनेश ने एक बार बड़ा हाउ टू इसने हाउ टू लिखा, आगे आ गया लर्न गिटार, मतलब अर्चना जी ने हाउ टू भरा 3-4 ऑप्शन आ गई, हाउ टू वैनिश ए मिनिस्टर विदाउट एनी कोर्ट केस, हाउ टू ईट अनलिमिटेड थाली इन लिमिटेड टाइम। अच्छा पहले घरों में एक बुजुर्ग जरूर होता था जो कायदे कानून समझाता था, रस्मों रिवाज रीति रिवाज, भाई देखो जब पूजा होती है तो पति जो होता है वो हमेशा राइट में खड़ा रहता है, पत्नी जो होती है लेफ्ट में खड़ी रहती है, यही विधि का विधान है। आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इंटरनेट ने बुजुर्गों का काम ले लिया, बुजुर्ग खुद जाके फेसबुक पे किसी की फोटो लाइक कर रहे होते हैं, अच्छा
शकुंतला रेवाड़ी में है. फिर नोरा फतेही को देख रहे होते हैं, जमाना तो अब अच्छा है, हम तो अच्छा महंगे वाले सैलून जाओ आप, फाइव स्टार होटलों में. पहले तो एक रिसेप्शनिस्ट आती है, हाउ सर प्लीज वेलकम सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. बंदा आया होता है बाल कटवाने, मन ही मन ना बॉडी मसाज का मन भी बना लेता है. फिर उसके बाद वेटिंग के लिए मसाज चेयर पे बिठा देते हैं, वहां पे वैसे ही थोड़ी मसाज चल रही, पीछे वो चलता ना, हाँ, वो जो गोला सा आता है पीछे, आदमी ना अपने मजे ले रहा आता है इसके. आदमी को खुशी तो होती है, फैसिलिटी देख के डर भी लगता है कि बाल तो कटेंगे, जेब भी कटने वाली है. फिर एक ना लाल नीले बालों वाला आदमी आता है, हाँ. उसको देख के लगता है किसी का घर पेंट करके आया है. वो आएगा आपको कुर्सी पे बिठाएगा, आपके ऊपर फ्रेश कपड़ा लपेटेगा, अपने ऊपर भी कैप पहनेगा, आजकल तो मास्क भी लगाते हैं. फिर आपकी कटिंग होती है, बाल चाहे इतने से काटें लेकिन आदमी बड़ा अच्छा फील करता है. हाँ. लेकिन आप नॉर्मल सैलून देख लो जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, वहां पे कोई कायदा नहीं होता. आठ लोग जो वेट कर रहे हैं, हाँ. आके सैलून वाला उसी के मुंह पे कपड़ा झाड़ देता. कटिंग एक की होती है, आठ लोगों को मुंह धोना पड़ता है. बीवी अलग से शक कर रही होती, इनके बाल तो काले हैं, बुरे वाले किसके हैं. रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के कायदे कानून होते हैं, पहले स्टार्टर ऑर्डर करो, फिर मेन कोर्स, फिर डिजर्ट्स आते हैं, फिर अपना फिंगर बॉल आता है. जैसे दिनेश है ना, ये मेरे साथ गया रेस्टोरेंट, इसने सबसे पहले फिंगर बॉल ऑर्डर कर दिया. मैं कहता ये क्यों, कहता ये पी के ना भूख खुल जाती है. तो जब बिल कोई और देता है ना तो ये फिंगर बॉल पहले पीता है अपना पांडे. हाँ. इसको लगा शायद फिंगर बॉल के भी पैसे होते हैं, वो लेके आया, कहता नहीं नहीं मैंने चाट लिया है, इसको ले जाओ. वो बोलता नहीं सर ये फ्री है, कहता अच्छा फिर एक शुगर लेके आना, मिक्स करके ये भी पी गया. बुफे में खाना खाओ तो उसके भी बड़े कायदे कानून होते हैं. जैसे आप कोई पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा आदमी है, तो वो देखना आप प्लेट में थोड़ा थोड़ा ही डालेगा. प्लेट गंदी भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता किसने कुछ खाया है, भले दो चार बार उठा लें, हाँ. लेकिन थोड़ा थोड़ा उठाएंगे. हम जैसे लोगों को यही डर रहता है खाना खत्म ना हो जाए, तो एक ही बार में पूरा खाना भर लेते हैं, है ना. कभी कभी तो ऐसा होता है पनीर की तरी जाके आलू को भी मिक्स हो रही होती है, और दही बड़े में डूब के ना नान गीले कपड़े जैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एक हाथ से नहीं टूटता. फिर वो उसको बड़ा वो बैलेंस करना पड़ता है. इसलिए आजकल ना अलग अलग खांचों वाली थालियाँ आ गई हैं, कि सब्जी के लिए अलग, खीर के लिए अलग होती ना, अलग अलग बने होते हैं. लेकिन लोग क्या है, वो थाली की गहराई से नहीं भरते, वो अपने पेट की गहराई के हिसाब से भर लेते हैं. तो एक टाइम पे इतना भर लेते हैं कि वो जो बीच वाली दीवार है वो गायब हो जाती है. इन्फिनिटी पूल नहीं होता जो जो फिर उसमें क्या होता है, चावलों में रायता मिक्स हो रहा है. फिर कभी कभी तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है फिर प्लेट को, क्योंकि अगर यहाँ से किया तो दाल गिरेगी, यहाँ से गिरेगी खीर गिरेगी, ऊपर से सारी ऊपर तक आ चुकी है. कभी कभी तो जो सब्जी वाला टमाटर होता है ना, वो ऐसे कूद के खीर में भी गिर जाता है, होता है ऐसा. अच्छा विदेशों में आप चले जाओ कभी घूमने फिरने, कहीं बसों में ना अगर लिखा होगा कि ओनली फॉर लेडीज, तो लेडीज ही बैठेंगी. मजा आला कोई आदमी बैठ जाए, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते किसके लिए लिखा हो, सीधा जाके अगर सीट खाली मोटा सा आदमी जाके बैठ जाएगा. ऊपर से उनको कहो ना कि भाई साहब ये लेडीज सीट आओ, मैंने भी पेंट के नीचे सलवारी पहनी हुई, कोई बात नहीं आप ढीट हो जाते, कहीं ढीट हो जाते भाई साहब उठिए ये लेडीज के लिए सीट है, जब लेडीज आएगी तो उठ जाएंगे, क्या हो गया. अच्छा जो खड़े होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर ढूंढ के लाते हैं माता जी को, माता जी आप आइए आप आइए आप बैठिए. माता भी जब मना करती है बेचारी, रहने बेटा आप बैठो बैठो, माता जी जबरदस्ती बिठा देते हैं. फिर माता भी चिड़को बोलते हैं अपनी माँ को बिठा ले, मेरा स्टेशन तो पीछे रह गया. अच्छा फॉरेन में हर चीज का एक कायदा होता है, मैंने देखा अपने दोस्तों के घर एक दो बार कनाडा में मेड आती ना, सबसे पहले उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हाय लीजा हाउ आर यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, थैंक यू. उसके बाद अपना काम शुरू करती है. हमारे यहाँ मेड को कॉम्प्लीमेंट देके देख लो आप, और भाई शीला बड़ी खूबसूरत लग रही हो. तो बीवी का ना लेफ्ट वाला आईब्रो राइट में मिक्स हो जाता है दोनों आपस में. बीवियां जो होती ना मिक्सी की आवाज में भी सुन लेती कि पति ने किसी और को कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर वो बीच में छोड़ के आ जाती मसाला, शीला बड़ी सुंदर लग रही है. अच्छा बीवी को शक हो ना हो शीला करवा भी देती है, हाँ. थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलने फैल जाती है वो, फिर वो धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, दीदी बच्चों का टिफिन आप देख लो, इनका मैं लगा दूंगी. फॉरेन में लोग जाते हैं रिश्तेदार के घर, हाँ. बुके लेके जाएंगे साथ में वाइन बॉटल, हाँ यार ये देख के सामने वाला भी खुश होता है कि अभी खुद की वाइन लाया पी के खुद ही निकल जाएगा. हमारे यहाँ दो सूटकेस लेके जाते हैं ना जब, तो मेजबान आदमी भी समझ जाता है कि ये पांच दिन का बोल के 20 दिन रुकेगा. और बुके बुके तो छोड़ो, साथ में जो बच्चे जाते हैं वो उनके फूल खा जाते हैं जो घर में लगे होते हैं, उनके फूल खा के उन्हीं के सोफे पे थूक दे, मीठा नहीं है हमारे. वो अपने बच्चों को भी कायदे सिखाते हैं, बच्चे भी मतलब इतने हो जाते हैं सीख सीख के, पूछते हैं हर चीज, हाय मिस्टर जॉर्ज कैन आई सिट हियर इफ यू वांट माइन,
Yeah, why not? हमारे बच्चे जो होते हैं ना शुरू शुरू से कायदे में रहते हैं क्योंकि माँ बाप ने दरवाजे पे समझाया था जानवर जैसी हरकत नहीं करनी अंदर जाके चुपचाप बैठना तो पहले दो तीन मिनट तो ठीक बैठते हैं उसके बाद वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं अंकल टीवी देख लो अंकल टीवी देख लो आपके ये मोबाइल में गेम है गेम माँ जितना मर्जी घूर रही हो माँ की तरफ देखते नहीं फिर वो फिर अंकल भी गए बच्चे हैं खेल ले लीजिए कोई बात नहीं ले लो ले लो बेटा मोबाइल देखो फिर वो खेलते खेलते ना सडनली उनके कैमरे में से ना कोई पड़ोसन की कैंडिडेट फोटो निकाल के ना अंकल का काम खराब कर देते हैं विदेशों में मैंने देखा फल को बड़े कायदे से खाते हैं आम को पूरा काट के ना स्लाइस करके और स्पून के साथ खाते हैं हमारे यहाँ जो आम खाता हुआ आदमी देख लो गाँव देहातों में पहले तो आम को पकड़ के ना हाथ से बेल के ढीला करते हैं पहले इसको ऐसे ढीला करते हैं फिर उसका जो काला ढक्कन होता है ना उसको तोड़ के थोड़ा सा जूस निकाल के नीचे गिराते हैं उसके बाद जो वो आम को चूसते हैं कभी कभी तो गुठली जान बजा के पीछे से निकल जाती है और कई तो इतने सयाने होते हैं ना चूसते हैं गुठली को भी नहीं गिरने देते फिर आम चूस के फेंके फिर गुठली को इतना दिल से शिद्दत से चूसते हैं ना वो फिर दो पीढ़ी तक उसमें से फल नहीं निकलता जमीन में भी आप दाब दो ना उसको मैंने कहा विदेशों में बसों की लाइन लगी होगी तो पूरा रहते हैं ऐसे लाइन में लगे रहते हैं कि चढ़ेगा तो हमारे लोग पता नहीं क्या करते हैं लाइन लगी होगी तो ऐसे करके देखने लगेंगे बस आ रही है फिर ऐसा करने से आ जाएगी बस तो छोड़ो कहीं तो रेलगाड़ी को देख रहे होते हैं फिर रेलगाड़ी आ गई कभी कभी हमारी आपको पता है रेलगाड़ियां इधर से आ जाती हैं तो वो फिर रेलगाड़ी का ड्राइवर थप्पड़ मार के निकलता है इनको थैंक यू अर्चना जी मैं अपने मेहमानों को लेकर आता हूं थैंक यू आप तो जानती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़ के कमाल के सिंगर हैं लेकिन ये कमाल के सिंगर भी जिनको बहुत कमाल का मानते हैं आज वो हमारे पास आ रहे हैं तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिंगर्स के सिंगम और सुल्तान हम सबके फेवरेट सुपरस्टार सिंगर मिस्टर सुखविंदर सिंह हेलो एवरीबॉडी सबको मेरा नमस्कार आदाब ते सत श्री अकाल वेलकम भाजी वेलकम भाजी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तकलीफ के दौर से हम गुजरे हैं और अभी भी वो तकलीफ का दौर चल रहा है उसमें एक बहुत ही रिलीफ देने वाला आपका जो शो है कपिल ये आप सारी पूरी टीम को पूरे संगीत जगत की तरफ से दुआएं देता हूं शुक्रिया भाजी थैंक यू हाँ जी हुक्म करो कितने गाने सुनने जो थोड़ी देर पहले वैनिटी वैन में पेमेंट हुई है तो मैं उसी हिसाब से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे थैंक यू और बड़े हॉट लग रहे हो आप कसम से क्या बात है आप कहीं बाहर खड़े हो ट्रेन रोक दो आज आप नहीं बट जैकेट बहुत कमाल की है दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया कि तुम नहीं जैकेट कमाल की पहनने वाला उससे भी ज़्यादा कमाल का है नहीं लेकिन बाय चांस कल मेरी कपिल के साथ मुलाकात हो जाती है अगर शो से पहले तो मैं यही हेयर स्टाइल अडॉप्ट करता था व्हाट अ लुक पाजी आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका ठीक है जी एक बार जोरदार तालियां सुखी पाजी के लिए थैंक यू वेरी मच प्लीज पाजी हाँ जी पाजी सभी आपको आपका नाम सुखविंदर सिंह है सब आपको प्यार से सुखी बुलाते हैं तो जब कभी कभी आप लो फील करते हो दुखी होते हो उस दिन आप लोगों को बोलते हो आज मैं सुखी नहीं आज मैं दुखी मैं दुखी ताकि नहीं होता पता क्या होता है जैसे दुख कोई खजाना नहीं है दुख कोई मोहब्बत इश्क जुनून नहीं है जिसे संभाल के रखा जाए इसे संभाल के ना रखू नहीं बिल्कुल नहीं आज तक कोई एक गाना बता दीजिए कि जिसमें गम आंसू छलक रहे हो मेरा मन ही नहीं करता एक है लेकिन कौन सा उसने सारी कसर पूरी कर दी लाइव ही ना गई
हाय 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 पाजी। तो यार मैं बात कहूं सुनूं कि या तुझे देखूं। इस लड़के ने आप पे गजब का चेंज लाया है। जब से 20-25-30 करोड़ का इसका हुआ रेट ना, ये मूड में आ गया है। मेरी भी तारीफ करो, 15-20 हजार में भी मतलब देख लो। सही बात है, बट आया है, तेरे पे आंख टिकनी शुरू हो गई। नूर आ गया। बट एक लेडी है इस वक्त थोड़ा सा मेरे राइट में है, इनका जलवा तब भी था और आज भी जलवा नूर वैसे का वैसा ही है। हर बात पे खुल के हंसना, दिल से मन से हंसना, कोई नकलीपन नहीं। थैंक यू सुखविंदर। नहीं तो जो है जो, थैंक यू। ये इन्होंने मेरे से शुरू किया, आना आप ही पे था इन्होंने। अच्छा है ना, कोई मेरे साथ भी तो फ्लर्ट करे यार। तू तो सारी हीरोइंस आती है उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है, मुझे तूने अपना ताऊजी बना दिया है, मूंछों वाला। अरे हाँ, कोई तो फ्लर्ट करे यार, अच्छा लगता है। सो ब्यूटीफुल, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। पाजी लाइव ही ना गई आपने यार, अभी नाम ले लिया क्या अभी? हाँ सुनना सुनना। लाइव ही ना गई ये, मुझे अभी भी याद है कि मिस्टर शाहरुख खान सामने और मैं सा बैठा, और मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने ये शुरू किया और ये खत्म कर दिया गाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे टाइम पे हमको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होता। तो मैंने जाके थोड़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ा बीच बीच में रुक के हम लोगों को थोड़ा मूड को इन्हेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड। तो आज इम्प्रोवाइज जितना तो आपका मजा क्राइड, वो रोने लगे। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि इसलिए तो नहीं कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी, तो जिंदगी में रोमांस का टाइम रखा बाजी कभी कि नहीं? वैसे बथेरा। बथेरे का मतलब होता है वादू, इनफ, मोर देन इनफ, बट इट साउंड गुड व्हेन यू से बथेरा। बथेरा, हाय हाय बथेरा। सो रोमांस एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, खुली आंखों से भी मैं ख्वाब देखता हूँ जीते जागते। भाई लोगों ने पता नहीं बातें बनाई, कहते आवाज में दर्द तब आता है जब दिल टूटता है। जैसे अब अभी अपने नए लड़के जितने भी सिंगर आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह है, बड़ा पॉपुलर है, उनके गाने सुनते तो लगता है कि 3-4 बार ब्रेकअप हो चुका है उसका, हालांकि ऐसा है नहीं। तो लोग कई बार तो उसका गाना सुनने के चक्कर में ब्रेकअप करा लेते हैं कि यार ब्रेकअप कराते हैं फिर गाना सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा। पर इस बात में कुछ सच्चाई होती भाई? ऐसे लाइव भी ना गई, मैं जिस दर्द से गाया वैसे तो मेरे 1000 ब्रेक होने चाहिए। ये एक महज एक वहम है, ऐसे कैसे होगा? दिल ना, ईश्वर करे कभी किसी का दिल टूटे ना, वो जो साउंड ऑफ साइलेंस जैसी लाइफ हो जाती है ना, गाना तो दूर, कुछ नहीं कर सकते, पूछो फिर कुछ और। नहीं, मैं तो ऐसे भाजी आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है। मेरे को तेरे को देख के मजा आ रहा है। लॉकडाउन में फिर कैसे, फिर रियाज व्याज चलता रहा? नहीं नहीं, लॉकडाउन में मेरे को एक बार तो लगा कि ना संडे का पता चल रहा है अर्चना जी, ना मंडे का, ना वनडे का, मेरे को लगा कोई मोक्ष को प्राप्त तो नहीं हो गया मैं। असली है? हाँ जी। नहीं भाई असली है। खा के देखता हूँ। हाँ खा सकते भाई, प्लीज। ठीक, क्या कोई नहीं। हाँ घर ले जाता हूँ, धो के खाऊंगा। सब मेरी तरफ इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं ना। हाँ आप पहली बार आए ना विदाउट ऑडियंस भाजी, हमेशा नहीं तो ऑडियंस से भरा रहता है। नहीं 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 नहीं, आपके यहाँ तो रब बसता है, जग बसता है, जहान बसता है कपिल। क्या बात है, आपके यहाँ तो दुनिया बसती है यहाँ। पर पाजी ने जैसे बात बताई अभी लाइव ही ना गई, कि जो आप स्टोरी बता रहे थे कि शाहरुख भाई भी बैठ के सुन रहे थे उस समय, आजकल नहीं होता ना भाजी ऐसे? आजकल तो अलग ही गा जाता है, कोई सिंगर को भी मतलब अलग रिकॉर्डिंग हो रही है और जो एक्टर है उनको भी नहीं पता। पहले मतलब बड़ा ये शौक होता था, राज कपूर साहब की मैंने पुरानी वीडियोस देखी, वो बैठे हुए हैं, लता जी गा रही। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, कोई अपने अपने सारे काम कर रहे हैं। बेसिकली देयर्स वन नाइस सेंटेंस दैट वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। खास लोग बहुत कम होते हैं, जो खास होते हैं वो आज भी वही पैटर्न पे काम करते थे जो पहले किया जाता था। वेरी राइट। एक गाना में सुनाऊंगा बाद में, एक तोहफे के रूप में लिखा है, उसमें मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे आपके इस घर का जो है, जिसके सारे ही सूरज कभी रात को सोते भी नहीं, वाह,
हमेशा जागते रहते हैं। वाह। सुबह वो सूरज बन के चमकते हैं, रात को चांद सितारे। क्या बात। मेरी ना एक सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं दो तीन बातों के बाद ना फिर गलत बोलना शुरू कर देता हूँ। इस करके बीच बीच थोड़ा थोड़ा गाना पा दिया करो। पाजी मैं वैसे ही आज दिल में बड़ी बातें थी, सारे आपके मुरीद हैं, सब बोल रहे थे ये आपके आने से पहले बातें कर रहे थे, कहते कि यार जब भी कोई सिंगर आते हैं नए भी, किसी में रफी साहब की झलक दिखती है, किसी में किशोरदा की झलक दिखती है, आपका जो स्टाइल है वो अलग ही दिखा सबको सुखविंदर सिंह, और कई सिंगर ऐसे भी होते हैं जिनमें आपकी झलक दिखती है क्योंकि आपके फैन होते हैं, आप किसके मुरीद रहे हो भाई सबसे ज्यादा? किशोरदा मेरे बड़े फेवरेट रहे। अच्छा, आई लव हिम, आई रियली लव हिम। पारी जब आप पिछली बार आए थे सर भी थे तभी, तब आपने वो बड़ा अलग ही स्टाइल में जैज में गाया था, तुम जो मिल गए हो पारी। कुछ करेंगे, आया मैं मूड में आया। एक संतरा, नहीं संतरा एक अभी खा लेता हूँ। ये हाँ एंट्री कर ले, ठीक है। नहीं खाता मैं फिर। नहीं 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 खा लो तुसी यार। नहीं कोई नहीं, हम एंट्री किसी की कर रहे हैं, एंट्री हो जाए। अच्छा, मैंने कहा कि इसकी एंट्री करवा लेंगे बाद में। कितने खाए हैं अर्चना जी मेरे को पता क्या सुनाई दिया कि खाने दे बाद में एंट्री डाल देंगे, इतने खा गए। मैं ऐसे तो अंडे खा के क्या फायदा, जिसको मिलना पड़ा। बाप रे बाप, अरे क्या बात है सर। अरे सर यार, आज तो सिकंदर आए हैं। सिकंदर? ओए सिकंदर नहीं, सुखविंदर जी। अरे हाँ पता है यार, लेकिन म्यूजिक के दुनिया के सिकंदर तो यही है। अरे सर, सिकंदर है, धुरंधर है, मस्त कलंदर है, जलंधर है, यार संगीत का भवंटर है। बड़ी एनर्जी है तेरे में आज बच्चा। अरे सर, एनर्जी वाले आदमी आए हैं, क्या गाते हैं सर, आपकी क्या एनर्जी है। क्या बात सर है? एक बात आपको बताएंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं हम ना, कभी कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, आपका गाना चला देते हैं गाड़ी चल जाती है। लाए हुए ना गई, लोग कहते हैं गाड़ी कहाँ गई यार। सच मजाक नहीं कर रहे हैं सर, अभी दो दिन पहले अपनी गाड़ी में आपका वो वाला गाना चलाया हम, वो नशा ही नशा वाला। अच्छा। हमको ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया। कहते हैं बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा। गाने से कैसे नशा हो सकता है तुझे? ए लो यार कप्पू शर्मा, तानसेन जी के गाने से अगर दिया जल सकता है, इनके गाने से नशा नहीं हो सकता। बच्चा तू कैसी अजीब जी बातें ना, कि अगर सुखी जी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे सर, पिछली बार जब आए थे सर आपने सुर तो छेड़ा ही छेड़ा था, आपने अर्चना जी को भी छेड़ दिया था, आपको अगर याद है तो। बात वो है ही ऐसी, उनके आप खूबसूरत हैं सर, लेकिन उनके पति अभी तक झगड़ा कर रहे हैं चैनल के साथ। अच्छा? कि छेड़ के गए थे इसलिए? नहीं नहीं, खाली छेड़ के क्यों गए, साथ लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि सर आप तो सुखी हैं लेकिन वो तो वहां दुखी हैं। अरे सर एक बार पूछना था सर, अपने चलते चलते में गाना किया, लाइव भी ना गई निभाए भी ना गई, ये गाना अगर चलते चलते की जगह आपने रुक के किया होता तो लाइव भी जाती निभाई भी जाती। जस्ट सजेशन सर, आपके हम तो बहुत बड़े फैन है सर, और सर हमसे बड़ी फैन हमारी भैंसिया सर। अरे बाप, मैंने मजाक नहीं कर रहे हैं सर, आपका झूम बराबर झूम गाना सुनती है, झूम झूम के दूध देती है। अरे हौले हौले गाना सुनती है, हौले हौले धीरे धीरे दूध देती है। कल आपका गाना सुना वो वाला उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ उड़ के दूध दे रही थी। कैसा आदमी है यार, उड़ उड़ के कोई भैंसिया दूध दे क्या? ए, सुना तुमने, यहाँ पर ये खड़े मनुष्य जो हाँ कह रहे हैं कि तुम उड़ सकती हो, पॉसिबल है क्या? कुछ जवाब ये देखो, सुन लिया? ये तो तूने खुद आवाज निकाली है। नहीं बच्चा तू करने क्या आया यहाँ पे आज? एक सजेशन लेना था सर आपसे भी सर। व्हाट इज हैपनिंग आई टेल यू, हमने अपने जीवन में ना बहुत एक भैंसिया के अंदर इन्वेस्ट किया लेकिन इतना आउटपुट निकल नहीं रहा है, सोच रहे हैं घोड़ा पाल लेते हैं। तो पाल ले, उनसे क्यों पूछ रहा है फिर? ना लेकिन घोड़ा दूध नहीं देता ना यार। तो फिर घोड़े पालने क्यों है? ना डिलीवरी के लिए, क्या है भैंसिया डिलीवरी करने जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है, घोड़ा जाएगा तो तुड़ 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 गया दूध दे दिया, वापस आया तुड़ 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 दूध उठाया तुड़ 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 दूध दिया। ये क्या टुकड़ 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 लगा रखा है? अच्छा वाह, दलेर मेहंदी जब तुलक 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 करते तब चलता है, हमारा घोड़ा जरा तुड़ 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 कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है यार। वाह रे मनुष्य, वाह तेरी मनुष्यता।
तू एक काम कर, घोड़ा भी ले ले, भैंस भी ले ले, भैंस दूध देगी, घोड़ा डिलीवरी कर देगा। अरे नहीं यार, भैंसिया के दूध को घोड़ा डिलीवर करेगा, भैंसिया के दिल को चोट नहीं पहुंचेगी। तो घोड़ा ले ले, भैंस भूल जा। भूल जाए? हाँ। वाह कपू शर्मा, देख लिया हमने आपका यार, कल यहाँ पर भी नया घोड़ा आएगा, आप इस भैंसे को भूल जाएंगे। यार मनुष्य से तो हमारे ना ये विश्वास ही उठ गया है। अरे भैंसिया को कैसे भूल जाए यार, भैंसिया हमको दूध देती है, भैंसिया दही देती है, भैंसिया पनीर देती। एक मिनट सर, आई एम सॉरी सर, पनीर से याद आया, पनीर मटर हमने अंदर बना के रखा है, सोचते ही भूख उत्पन्न सी हो गई है अंदर से, तो अपनी भूख की भूखियाता को थोड़ा मिटा के आते हैं सर, बहुत भूख लगा। आप बैठिए सर, हम आते हैं थोड़ी देर में। हैव अ सीट, हैव अ सीट, आई विल सी यू सर, थैंक यू, जरा खा के आएंगे। ऑल राइट, अरे आ जाओ आ जाओ, बैठो भाई। सुखी जी, myself भूरी, कैसी लगी आपको मेरी परफॉर्मेंस? ये लो, बहुत अच्छी थी। कैसी लगी पाजी? ये थोड़ा चलेगा, अभी 5-10 मिनट मिला, उसके बाद ये चली जाए, कोई बात नहीं, हमने घबराना नहीं। घबराने, मैं तो इन्हीं के लिए आई हूँ कपू। ये तुम्हारे लिए नहीं ना है कपू, यहाँ तो कोई भी किसी के लिए नहीं आता, तुम्हें पता नहीं सुखी जी, दुनिया में हर कोई अकेला ही आता है और फिर यहाँ से अकेला ही चला जाता है। खबरदार, ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइनें बोली तो। कभी अपना लेके आया कर कुछ? कपू इस बार मैं अपना ही लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले सुखी जी बैठिए ना। प्लीज, हाँ, कोई नहीं। नहीं नहीं बैठो भाई आप। नहीं नहीं मैं मन ही नहीं कर रहा। मन ही नहीं कर रहा आपका? ठीक है पूरा। सुखी जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। एक मिनट। हाँ जी। ओहो, ये क्या था? सुखी जी, हाँ जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मतलब आपकी आवाज में जो सुकून है ना, रूह तक उतर जाती है। सुकून तो मुझे तेरा पता नहीं, पर मुझे लगता तेरी रात की उतरी नहीं अभी तक। तू क्या करने आई यहाँ पे? सुखी भाजी को डिस्टर्ब करने आ गई है? डिस्टर्ब? मैं तो इन्हीं से मिलने आई हूँ सर। वो क्या है ना, मैंने ना एक्चुअली अपने नाम से ना एक म्यूजिक कंपनी खोली है, बी सीरीज, बी फॉर भूरी, तो बी सीरीज। तेरे नाम से तो बैंक में अकाउंट नहीं खुलता, तेरी सीरीज कब से खुल गई? उस दिन बैंक में अकाउंट खुलवाने गई भाजी, मैनेजर इतना बिजी था, उसने सारे जरूरी काम छोड़ के पहले इसके फॉर्म फाड़े। अरे लेकिन फाड़ना तो पड़ेगा ही ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल जो हो गया है, इट्स डिजिटल इंडिया यू नो कपू। अच्छा ठीक है। सुखी जी मैंने ना बहुत ही शिद्दत से काम शुरू किया, तो बस आपका साथ चाहिए इसमें बस। पाजी इधर आ जाओ आप। अच्छा जी। ऐसी बातें कर करके ना, पिछली बार भप्पी लहरी आए थे, उनकी चेन उतार ली थी उन्होंने। पहली बार भप्पी दा यहाँ से बेचैन होके गए हैं, इसकी वजह से इसकी बातें नहीं सुनी आपने। चैन पाजी, बेचैन। यू आर लुकिंग ऑसम, यू आर लुकिंग बहुत बढ़िया। बस सुखी जी मैं यही चाहती हूँ, आप एक सिंगल बनाओ ताकि उसमें मैं ना एज अ मॉडल परफॉर्म करूं। एक तो मैं उधर सिंगल को मंदे तो एक और सिंगल बनाओ। क्या करूं उसमें परफॉर्म करूं? पाजी 9 साल पहले इसने मुझसे बात बोली थी, कहती हम साथ में शो बनाते हैं, मैं परफॉर्म करूंगी। 9 साल से हम इसकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। तो अच्छा जी इस बात पे गौर किया जाए, मैंने परफॉर्म नहीं किया और कपू यहाँ तक पहुँच गया। मैं परफॉर्म करती थी तो कहाँ होता। वैसे सर मैं ना ये मॉडलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ, वो क्या है ना म्यूजिक मुझे विरासत में मिला है। तो बड़ा विरासत, आपको पता नहीं पाजी इनकी फैमिली का। हाँ। इसके बाप और दादा ना जया और सुषमा बनके लोगों के लेडी संगीत में नाचते थे। नहीं, नहीं, तो विरासत में मिला है इनको म्यूजिक। ये क्या कुछ भी बातें करो, ऐसी कोई बात नहीं, वो दादाजी तो तानसेन के बगल में बैठते थे, उनका बहुत करीबी रिश्ता था। करीबी की वजह से नहीं बैठते थे, गरीबी की वजह से बैठते थे। वो तानसेन जी जब गाते थे ना तो दिए जल जाते थे। हाँ। तो इनके दादा ये दियों में से तेल निकाल लेते थे। एक बार पकड़ा गया दादाजी ने, इसके तानसेन ने दादा का तेल निकाला पूरा। तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे दादाजी जो वो तेल छीन के लेके जाते थे उसका क्या। मैंने कब कहा मेरे दादाजी को बहुत अच्छे थे, वो भी ऐसे थे। नहीं लेकिन सर मैंने ना हमारे गाने की म्यूजिक के लिए ना मैंने तो रहमान सर से बात भी कर ली है, और रहमान साहब ने पुलिस से बात कर ली है, कहते अगर ये दोबारा मेरे घर के सामने देखी मैंने ऑस्कर वापस कर देना। क्या पॉम्फ्रेट मछली जैसा मुंह बनाती है। कपू तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन बहुत जल्द इस भूरी का डेब्यू होने वाला है फिल्मों में, तभी आजकल मैं स्क्रिप्टों पे बैठी हूँ। कल तो उसने डायरेक्टर से डांट खाई, हमारे डायरेक्टर से, कहते खड़ी हो स्क्रिप्ट पे बैठी हुई है। इतनी बड़ी हो गई कुर्सी पे बैठ जाके, तू तो
स्क्रिप्ट पे बैठ जाती है। वर्कलोड इतना है कि नहीं पता चलता कप्पू कभी कभी तुम्हें कैसे। मुझे ना इतने ऑफर्स आ रहे हैं सुखी जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं ना लेकिन थोड़ी सी चूजी हूं तो अब क्या करें। चूजी तो है ये, तेरे चूजे कहां हैं बाकी के? वो कहां है जो तेरे साथ? फैंस बोलते हैं कप्पू, फैंस। चलो। और सर ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, वो क्या है ना बाहर ना एक बार बस सुखी जी और मेरा वीडियो आ जाए फिर देखना कितने रिकॉर्ड टूटते हैं। ठीक है, मेनू है भाई, हम लोग कोलैबोरेट करेंगे ना सुखी जी। फैंटास्टिक है ना, हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। पार्टी चाहिए। पार्टी के पहले वो बाहर ना पीआर टीम वेट कर रही, तो मैं उन्हें ये कोलैबोरेशन का ये गुड न्यूज़ दे के आ जाती हूँ। मैं पीआर टीम, मम्मी डैडी को पीआर टीम बोलती रहती। चल नहीं नहीं, मैं जल्दी से आती हूँ गुड न्यूज़ दे के। आप प्लीज जाना मतलब, यही रहना, मैं आऊंगी वापस। पाजी मैंने देखा कभी कभी ना म्यूजिक अवार्ड से जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो बहुत सारे सिंगर्स ये कहते हैं कि सुखी पाजी को लास्ट में परफॉर्म कराओ, क्योंकि फिर उनके बाद गाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लो होता है क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हो। तो पाजी कभी ऐसा हुआ है कभी लाइफ में कि आपके सामने कोई ऐसे सिंगर बैठे हो जिनको देख के आपको लगा हो कि यार इनको मैं भी बड़ा मानता हूँ या प्यार करता हूँ, आप नर्वस हुए कभी किसी के सामने? ईश्वर के दर्शन करने के बाद आपके अंदर रौनक आनी चाहिए। वाह, जो आपसे बेहतर हैं वो आपको और बेहतर कर देते हैं। क्या बात है भाई, वाह बड़ी खूबसूरत बात। हाँ जी बस ओके, आई वांटेड टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ है कि शो के लिए गए हो और स्टेज पर मूड ना बना हो और बिना गाए वापस आ गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? ये कलाकार की फितरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बस की बात ही नहीं है। हाँ एक बार स्टेज पे छोटा था मैं, एक गजब का कांड हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले थे, मैं कोई आलाप लिया जुगनी था, अजुगनी जावड़ी कलकत्ते मुंडे जो किताबां नसे हो फिर मेरे अजुगनी, तो इतने में तालियां धड़ाधड़ हो, फिर फूल बरसने से शुरू हो गए मेरे पे पूरे हार। इतने में मेरा कॉलर पकड़ के किसी विधायक ने ऐसी बेरहमी से खींचा ना, वो एक्चुअली मंत्री जी पीछे आ चुके थे और फूल हार तालियां उनको बरस रही थी, मैं खुद पे ले लिया और मैं दे अलाप ले रहा हूं हो, वो खींच के ले गए। ये एक सदमा मुझे याद है। ये दर्द मेरे को भूलता नहीं है। हाँ हाँ जी भाई, एक हमने और बात सुनी कि जब आपने अनारकली डिस्को चली गाया, हाँ, तो बोलते 10 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया था आपने, उससे भी कम। अच्छा क्या हुआ था, जब आप कंटेंट को ज्यादा डिस्कस करते हैं ना, जब कहते हैं ना कि हम गाने पे बैठेंगे, तो इतनी बार बैठोगे कि गाने बैठ जाता है। हाँ। हाँ। पहले भी कहा था कि 2-3 बातों के बाद फिर मेरे से गलत बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए बीच बीच में गाना डाल दिया करो। वैसे कितने नेशनल अवार्ड मिले आपको? 2 ही मिले। अच्छा, बाकी उन्होंने अवॉइड कर दिए। अच्छा पारी, 2010 में आपने एक फिल्म भी तो करी थी कुछ करिए। नहीं 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 नहीं, मेरी बेइज्जती मत करो। नहीं नहीं, एज एन एक्टर पाजी ने फिल्म कर दी कुछ करिए। नहीं नहीं, मेरे को, मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली क्या होता है, मैं जब कसम खाता हूँ तो झूठ बोलता हूँ, तो जब मैं सच बोल रहा हूँ तो कसम नहीं खाता। ऐसा क्यों? क्योंकि सच से बड़ी कसम कोई है ही नहीं। मैंने एक एल्बम बनाया था और उसको मैंने एक फाइनेंसर को कहा कि इसके वीडियोस बना दो। उन्होंने एक गाना शूट किया, देखा तो बड़ा खूबसूरत, कहते क्या लग रहे हो। नहीं, मैं कहा मेरे को जरूरी ये है कमेंट्स कि क्या अच्छा सुनाई दे रहा है गाना, क्योंकि मेरे आगे भी जाके मैंने गाना लोगों को दिखाना नहीं है कि मुझे देखो। मैं जिस मकसद के लिए मुझे बरकत मिली है उसी पे अगर आप ध्यान दें तो उसमें आपके कई सारे रंग होते हैं। लेकिन डबिंग के टाइम पे एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कलाकार, उन्होंने कहीं बाई चांस बाजू के थिएटर में देख रहे थे तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा। डांटा? डांटा, बहुत डांटा, कहते ये क्या बदतमीजी कर दी, क्या बकवास बात, या तेरे को किसने कहा ये सब करने को। हाँ, उनको आके दूसरे आर्टिस्ट ने बोला कि आप इसे ऐसे मत कहिए, आप उसे समझा दीजिए कि आगे से मत कहे। नहीं, प्रॉब्लम ये कि कर अच्छा रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये इसमें जाए। अच्छा, तो मैं कहा जी बस ऐसा ही है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ना चलूँ। और ये वो दैट वॉज मिस्टेक। वैसे ये तानू की तो चेते आ गई गल, ऐसे ही बस अभी 2-3 बातों के बाद मैं फिर खराब हो गया ना कम खराब। भाजी आजकल न्यूज़ व्यूज़
देखते हो आप? मैं नहीं देखता न्यूज़ आना था। आज ये देखो हमारे ना शो की न्यूज़ है कुछ बोलते थे यार जैसे आप आते हो गाना गाया मजेदार बातें हुई तो ये कुछ ये देखो न्यूज़ है हाँ। तो आप अपने स्टाइल में पढ़ दो पाजी थोड़ा तरन्नुम में न्यूज़ देखो आप ये पेपर भी हम खुद ही निकालते हैं पाजी। द कपिल शर्मा शो पति को समोसा लेने भेज दुल्हन सुखी के संग भाग गई। ये क्या न्यूज़ है? ये क्या न्यूज़ है? लिखा प्रेमी लेकिन मेरे को चश्मे के बगैर सुखी दिखाई दे। प्यार में धोखा देने वाले को सड़क पर ठोका। शकीरा के गाने सुनकर खेतों से भागे मुर्गे। कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगी। ओ मंत्री की कुर्सी हथियाने वाली महिला बड़े प्यार से गिरफ्तार। गाड़ी पर पुलिस का फर्जी स्टिकर लगा कर घूम रहे थे साले। बस इतनी खबरें बात। बहुत अच्छा सुखी पाजी। वेरी नाइस। मैंने जो गाना खेला अभी बंठन हाँ जी वो गाने से कुछ याद आया आपको? इस गाने में आपकी मैडम ने मेरी जान बचाई थी। कैसे? सरोज खान जी मेरे को इन्होंने गाना रिकॉर्ड होने के बाद सेट पे बुलाया। महेश मांजरेकर जी ने कहा कि मिस्टर संजय दत्त मिलना चाहते हैं एक झटके पोच तेरे लिए एक लाल जैकेट गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं चला गया भाई चल के लाल पहना है जैकेट। इतने में मास्टर जी की एंट्री सरोज खान जी की। सरोज मास्टर। अब आया मेरे जबड़े के तले अब तेरे को ऐसा चबाऊंगी बेटा। तुझे नाचना नहीं आता ना? मैं कहा नहीं आज तेरे को नचाऊंगा उल्टा करके टांग के नचाऊंगा। किसी बात की रंजिश थी उनको। इतने में मेरे को एक छोटी सी खबर मिली कि यहाँ पे इनकी जो मैडम हैं वो यहाँ पे मेन इस गाने में जो लीड कर रही हैं कश्मीरा जी शानी कश्मीरा। नहीं नहीं शानी नहीं उन्होंने वो तो देवी बन के प्रकट हुई उस दिन। अच्छा। और मैं मास्टर जी के कदमों में गिर गया और मेरे सामने कश्मीरा जी बैठी है। मैं कह ये सारा जो नूर है जो वो जो तांडव मेरे से करवाना चाहते हैं उसके ये एक्सपर्ट हैं और इतने में डिसाइड हुआ कि तुम सिर्फ खड़े रहोगे बाकी सब पूरे डांस स्टेप जो है वो कश्मीरा जी करेंगे। आपका तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बोलने नहीं देगी। मैं बोलूंगा अभी आप मेरा दुखड़ा सुनो। मैं आपने गाना देखा ना सर? हाँ। ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा किया ना मैंने? ए औरत बन के भी तेरे से ज्यादा अच्छा कर रही है देख ले। आते ही अपनी बातें शुरू कर दी तूने। नहीं उनकी भी बात करेगी ना। हाँ। तेरे को पता है सुखी पाजी अपने घर पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका घर है जो मर्जी करे तेरे को क्या लेना देना रे? इसको बहुत शौक रहता है जानने का। हाँ। कौन क्या किधर क्या कर रहे लाए। तो आज इतना बंठन के क्यों आई है तू? मैं एक्चुअली पहली बार इससे मेरी तारीफ की है। मैं सब्जी मार्केट जा रही थी सब्जी खरीदने के लिए। इतना तैयार होके? नहीं पहले मेरे को एटीएम में जाने का है ना। तो एटीएम जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? नहीं मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है। पहले मैं बैंक जाएगी कार्ड बनवाने के लिए इसीलिए तैयार हो लिए। तो ये सारी बात एक साथ नहीं बोल सकती थी? अरे तो तेरे को कहाँ समझाने का टाइम किधर है? 11 बजे तो तू शो खत्म कर देता है और फिर शुरू से शुरू करता है वापस से। किधर समझा इसको? मेरी नहीं एक्चुअली सुखी भाजी पता है क्या चक्कर क्या है? मैं ना प्याज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रही है उधर मार्केट में। प्याज में कौन इन्वेस्ट करता है? अरे प्याज बहुत महंगा हो गया ले कप्पू। मैं क्या करेगी 400 रुपया किलो अभी खरीदेगी फिर अगले हफ्ते 600 रुपया किलो बेचेगी। ओ माय गॉड। फिर क्या तेरे से 200 रुपये ज्यादा अमीर हो जाएगी मैं। देखना। अच्छा सर पता क्या है प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्ट करो। क्यों? सब्जियों में इन्वेस्ट करो। एक अर्थशास्त्री है उन्होंने मेरे को बताया कि टिंडे में इन्वेस्ट करने का। हाँ टिंडे का भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है।
और एम्पायर का कैप रहता है ना, उसमें भी इन्वेस्ट करने का, उसका भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये भी अर्थशास्त्री ने बताया? नहीं, रवि शास्त्री ने बताया था मेरे को। अरे आपको पता है सुखी सर, ये तो कुछ नहीं है, वो क्रिकेटर है ना विराट कोहली, उसने तो मेरे को अंदर की बात बताई कि वो पापा बनने वाले हैं। ये तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। तो बात तो अंदर की है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है ना कप्पू। हाँ। मेरा भाई, आई लव हिम। मैं ना मार्केट जा रही है कप्पू। हाँ। तेरे को कुछ चाहिए? तेरे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? आलू ले आ मेरे लिए। सिर्फ आलू खाएगा? भिंडी ले आना थोड़ी सी। तो फिर आलू का क्या करेंगे? आलू के पराठे खाएंगे। तो भिंडी का क्या करेंगे? भिंडी बाद में खा लेंगे ना। अरे आलू के पराठे के साथ भिंडी कौन खाता है? दही खाते हैं ना लोग। दही ले आना फिर। अरे मैं सब्जी खरीदने जा रही, दही थोड़ी खरीदने जा रही, इसका क्या है रे? तू भी ना कप्पू यार, एक चीज पे फोकस रखो ना। हाँ। ये नहीं कि जज की कुर्सी पे बिठा दिया तो इंस्टाग्राम का भी वीडियो बनाने का, ये क्या है? ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सुखी पाजी, मैं आती है ना, मैं आपके लिए सब्जी खरीद के लाती है मार्केट से, अभी जाके आशीर्वाद दो के सस्ती मिल जाए मेरे को, है ना? मैं आती हूँ सर। ओके कप्पू, मैं आ रही हूँ। मेरा किधर गया? पर ये कुछ आपके फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने देशों विदेशों में सैकड़ों हजारों शोज किए हैं, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो और कुछ लेदर वेदर की पैंट वेंट पहनी हो और सडनली कहीं से सिलाई उधड़ गई हो? हाँ। और लाइव शो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ है। लेदर नहीं था, एक बार एक बड़े धार्मिक फंक्शन में बुलाया गया, मैंने स्पेशल एक ड्रेस सिलवाई जिसमें काठियावाड़ी रंग था, थोड़ा मतलब राजस्थानी स्टाइल भी था, कच्छ का भी, और पंजाबी पगड़ी पूरा बांध के, और उसका नाड़ा टूट गया पजामे का। नाड़ा टूट गया? हाँ, वो चार गाने गाने तो पकड़ के ही गाया मैंने। और ऐसा तो ऐसा हुआ है। कभी ऐसा हुआ पाजी, आप डुएट सॉन्ग गा रहे हो? हाँ। और म्यूजिक डायरेक्टर ने आका हो कि भाई ऐसा है कि जो आपके साथ वाला सिंगर है, वाली है, साथ वाली होगा, वाली या वाला कोई भी, कि वो मतलब आपके जैसा नहीं गा रहे, आप थोड़ा कम गाओ, आप बहुत ज्यादा गा रहे हो। नहीं, इतना भी मेरी सब्जी में इतना भी नमक ज्यादा नहीं डालता कि बेस्वादी हो जाए, उतना ही गाता हूँ जितना मेरे को समझाया जाता हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी ने आपसे गाना रिकॉर्ड करवा लिया हो? हाँ। बाद में घर आके आपने वो चेक डाला बैंक में, चेक बाउंस हो गया हो? शो का हुआ था एक बार। हमेशा ऐसे दोस्त मिलते रहे कि उनके लिए मैं गाता रहूं और गाने हिट होते रहे। क्या बात है भाई। कपिल, आपने पूछा था कि कभी कोई ऐसा मौका आया कि स्टेज पे कलाकार का मन बैठ जाए, ऐसा होता ही नहीं जो कलाकार होता है। और इनके जितने भी पूरे संगी साथी हैं कपिल शर्मा शो के, वो सब को मैंने एक नजराना पेश किया है गाने के रूप में, वो मैं इनको तोहफे के रूप में गा के प्लीज करना चाहता हूँ। एंड आई वुड लव टू इनवाइट एवरीबॉडी। मैं बैठा 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 अचानक मेरी कपिल से बात हुई, मैं कुछ तैयारी के मूड में था कि यार वहाँ मैं इस बार कपिल के शो में जाऊँगा तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, कुछ वैसा करूँगा, कुछ इस तरह का, पिछली बार क्या किया था, 10 साल पहले गया था वहाँ क्या किया था। अचानक मेरे को लगा नहीं यार, वो बात लिख, दुनिया यहाँ पे आती है, सेलिब्रिटीज आते हैं, अपनी फिल्मों की प्रमोशन करते हैं, इनके साथ हंसते खेलते हैं, ये अभी जो हंसाते हैं, जो खुश होते हैं, वो कौन होते हैं? तो मेरे दिल से आवाज उठी, वो बंदा खुदा का होता है। वाह। दुनिया को जो दीवाना कर दे, कोई दीवाना ही कर सकता है, कोई मलंग ही लोगों को मलंग कर सकता है, कोई दीवाना ही दुनिया को दीवाना कर सकता है, जो खुद दीवाना नहीं वो लोगों को दीवाना नहीं कर सकता। ये दीवाने हैं, ये तभी तो दुनिया की दीवानी है। आप लोग, यू आर ऑल द रियल सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड भी। How sweet sir, क्या बात है। शुक्रिया पाजी, आप थैंक यू प्यार के लिए। थैंक यू सुखी पाजी, बहुत ही मजा आया आज। आज की शाम जो है हमेशा सालों तक हमें याद रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग पाजी।
Love you, Paji. Thank you so much for the beautiful song. Thank you very much. Thank you. और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त दो गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने और हाथ जरूर धोएं. गुड नाइट, शबकैर. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.